हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बाथरूम में जो टंकी फिटिंग का कार्य किया जाता है वह कैसे किया जाता है और कौन सा पॉइंट कहां पे दिया जाता है और किस प्रकार दिया जाता है। गीजर से जो आउटपुट लाइन होती है जिसमें हमारा गर्म पानी आता है, जिससे हम शावर में ले जा सकते हैं, किचन में ले जा सकते हैं, वो कैसे ले जाते हैं, और जो बाथरूम में और किचन में और उस तरह से जो लेटरिंग बाथरूम में जो हमारा पाइप होता है किस तरह से होता है, जिसमें हमारा दोनों तरह का पानी जाए, गर्म पानी भी जाए और ठंडा पानी भी जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह जो हमने वायरिंग कर दी है पाइप की, सॉरी पाइपलाइन जो बिछा दी है हमने, वो हमने कुछ इस प्रकार बिछाई है। जो आपको दिख रहा है ये हमारा सीधा गीजर से जो पाइपलाइन है वो हमारा कुछ इस तरह से है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमने किस तरह से पाइपलाइन यहाँ पे बिछाया है और जिससे हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, जिसमें हमारा एक पाइप में ठंडा पानी आएगा, एक में हमारा गीजर से आउटपुट गर्म पानी आएगा और हमारे जो तीसरा पाइप है उसमें हमारा पानी आएगा जो समरसेबल का डायरेक्ट पानी चलता है, ठंडा वाला वो वाला। तो ये हमारा जो पाइप लग रहा है वॉल में, वो हमारा 1.25 इंची का पाइप है। जो हमारा 1 इंची का पाइप लगता है वो डायरेक्ट समरसेबल के से लगता है। जो हमारा इनपुट वायर आता है जिससे हमारा पानी टैंक में डाल जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पार्ट बाई पार्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने पाइप बिछाया है। तो आपको तीन पाइप दिख रहे हैं। सबसे पहला जो ये पाइप है जिस पर हम उंगली दिखा रहे हैं, वह हमारा मेन पाइप है। जो हमारा समरसेबल जब चलेगी तो हमारा ताजी पानी आएगा इस वाले बाथरूम में हमारा। और ये जो पाइप देख रहे हैं आप, तो ये हमारा है जो टैंक से पानी आएगा, इनपुट पानी सॉरी आउटपुट टैंक से आएगा वो हमारा ये है, जिसमें हमारे जो पॉइंट हैं, हमारा एक पॉइंट गया है हमारा सीधा गीजर की तरफ, जिससे हमारा गीजर ठंडा पानी लेगा और हमारा दूसरे पाइप के थ्रू हमें आउटपुट में गर्म पानी देगा। तो कुछ इस तरह से हम बाथरूम में यहाँ पे वायरिंग करते हैं, सॉरी पाइप वायरिंग करते हैं या पाइप फिटिंग बोल सकते हैं, सॉरी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये होम है इसमें हमने दोनों काम किए थे, इलेक्ट्रिकल का भी और प्लम्बरिंग का भी। तो पहले हम आपको प्लम्बरिंग का दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिकल का दिखाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा इनपुट पाइप है जिसमें हमारा ठंडा पानी जाएगा और जो दूसरा पाइप है दोस्तों उसमें हमारा गर्म पानी आएगा। तो हम यहाँ से मिक्स पानी ऑन करके ले जा सकते हैं शॉवर के लिए, ठंडा और गर्म पानी दोनों की मदद से। तो इस तरह से काम किया जाता है। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है पाइप, ये हमारा आउटपुट पाइप है जिससे हमारा पानी गर्म जो गीजर से आएगा वो हमारा डायरेक्ट इस वाले पाइप के थ्रू होते हुए हमारा जाएगा सीधा किचन की तरफ। तो किचन की तरफ हमारा कुछ इस तरह से जाता है, हमने पाइप डाल दिया है आप देख सकते हैं। तो ये जो पाइप है सीधा किचन की तरफ जाएगा। जो किचन का पाइप वायरिंग इस तरह से किया जाता है जिससे हमारा दोनों ठंडा या गर्म पानी दोनों जाएं। और इधर हमने बाथरूम के लिए किया है, यहाँ पे दोस्तों कोई भी गर्म पानी का हमने नहीं दिया, यहाँ पे सीधा टैंक से जो आउटपुट आएगा ठंडा पानी वो है। तो ये हमारा इंग्लिश टॉयलेट के लिए है और ये हमारा सादा टॉयलेट के लिए है। और ये हमारा एक स्प्रिंग टाइप का जो लगता है फ्लश करने के लिए, उसका लिए हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। और नीचे आपको जो टंकी दिख रही है वो हमने कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं जो बाथरूम की पाइपलाइन बिछाई जाती है, पानी की पाइपलाइन इस तरह से बिछाई जाती है, आप देख सकते हैं या आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इससे अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसका जो मटेरियल लगाते हैं हम, उसका नाम क्या होता है और किस तरह से उसको क्या नाम किस मटेरियल का होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी यूनिक से टॉपिक के साथ।